फ्रेंड्स, वेलकम टू कटोरी व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल। तो आज हमारी प्रिपरेशंस हो रही हैं जाने के लिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में हमारा एक फंक्शन, वो भी फैमिली फंक्शन। एक्चुअली है ये कि मेरी जो बड़ी सबसे बड़ी सिस्टर है साधना दीदी, जो कि मसूरी वाले ब्लॉग में भी आपने देखी होंगी, और डेली में भी हमारी फैमिली में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया या कोई भी त्यौहार होता है, तो दीदी हमेशा मैं ब्लॉग में उनको भी दिखाती हूँ। तो उनकी जो जेठानी हैं, उनकी और मेरी दीदी दोनों की वैसे सेम डे शादी हुई थी। सेम डे मतलब एक ही, मतलब 4 दिसंबर को ही दोनों की शादी हुई थी, लेकिन अलग अलग सालों में। पहले दीदी की जेठानी की हुई थी इस साल समझ लीजिए, और नेक्स्ट ईयर दीदी की। तो दोनों की सेम डे एनिवर्सरी होती है। तो इस बार जो दीदी की जेठानी है, उनका जो एनिवर्सरी है 25th है, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से आज वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जाके सेलिब्रेशन करेंगे और खूब इन्जॉय करने वाले हैं। तो मैं आपको ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगी कि वहाँ हमने क्या क्या किया। तो अभी फ़िलहाल बस पैकिंग हो रही थी, तो पैकिंग के लिए अभी मेरा सामान वामान सब डन हो चुका है। मैंने जो चीज़ें पैक करी हैं अभी फ़िलहाल, तो ये दिखाती हूँ आपको। कैमरा तो मेरी साइड ही है। ये हस्बैंड का सूट है, ये हमारा लगेज है छोटा सा, ये मेरी ड्रेस है। बाकी जब पहनूंगी तब प्रॉपर पता चलेगी कि ड्रेस है कैसी, क्योंकि अभी तो वो पैक्ड है। तो बाकी सब कुछ सामान मेरा पैक हो चुका है, बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि हस्बैंड जो हैं वो भी गए हुए हैं ऑफिस, क्योंकि वर्क फर्स्ट, तो वो गए हैं ऑफिस। ऑफिस से जब वो फ्री हो जाएंगे तब वो आएंगे, उसके बाद ही हमारा जाना हो पाएगा। और ये भी अच्छा है कि जो फंक्शन है वो संडे का है, क्योंकि ना हमारे लिए ना एवरी टाइम बहुत टफ हो जाता है कि हम फंक्शंस में जा पाएँ। पहले भी ऐसी दीदी की नंद है, उनके बच्चों की शादियाँ हुई तो हम जा नहीं पाए, क्योंकि तब हम अल्मोड़ा रहते थे। अल्मोड़ा से एक्चुअली बहुत दूर पड़ता है, और उस टाइम एक्चुअली कोविड का भी था, तो कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग था सब। चेकिंग वेकिंग का कोई आया है? पहले मैं देख लेती हूँ। कुरियर लेने गई थी तो कुछ ऑर्डर दिया था मिंत्रा से, तो वो भी अभी आया है। ये है हमारा ऑर्डर, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में कि इसमें है क्या। फिलहाल तो मैं उसको खोलने वाली नहीं। हाँ, एक बार खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है वो चीज़ वापस करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन वैसे ये बड़ा बेनिफिट है आपको कि आप जैसे कोई कपड़ा ले आए हैं और उसमें कोई भी खराबी निकल जाती है, तो जनरली ऐसे हमें शॉप्स पे भी होता है कि वापस करने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो सामान ले लिया, बाई चांस घर आके आपको उसमें खराबी भी निकल गई, तो आप ऑनलाइन उनको मतलब उसमें ऐप में जाके उनको बोल दीजिए, तो वो आके आपके घर से पिकअप ले जाते हैं। तो इस चीज़ का तो बड़ा बढ़िया है। लेकिन हाँ, और अगर हम डायरेक्ट शॉपिंग करने जाते हैं, उसमें ये बेनिफिट रहता है कि वहाँ पे आपको जो चीज़ लेनी है उसमें वहाँ आपके सामने सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सामने आप उनको जज कर पाते हैं कि वो ऐसी है। तो दोनों में अपना अपना बेनिफिट है। तो फिलहाल अभी मैं देखती हूँ, मेरा अभी कुछ रह तो नहीं गया पैकिंग के लिए, क्योंकि फिर वहाँ जाने के बाद सामान की दिक्कत होगी। मेन सामान तो जो हमारा तैयार व्यार होने का है, मेकअप का, सब चीज़ें उसने पैक कर दिया है। तो इसमें से हमारा निकला है ये वेनुस, इनका सूट है। तो अभी तो आया है, जस्ट हस्बैंड का कॉल आ रहा है, पहले वो अटेंड कर लूँ। फ़ोन आया था कि कुरियर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, क्योंकि एक्चुअली होता ही है ना, कुरियर आने के बाद एक OTP आता है, और वो हस्बैंड जैसे ऑर्डर करते तो उनके फ़ोन पर आता है। तो हमेशा भी डिलीवरी बॉय उनको फ़ोन करते हैं OTP देने के लिए, तो इसलिए वो क्रॉस चेक करते हैं कि खुशबू तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया सामान। तो फिलहाल मुझे मिल चुका है सामान, और यहाँ देखिए हो क्या रहा है। मतलब सैटरडे है, मेरे बच्चे घर पर हैं, तो ये करके आ रहे हैं। आप ये देखो, ये देखो, यहाँ गेमिंग चल रही है इधर भी, और इधर मैंने कपड़े धो के, मैंने कपड़े वगैरह धो दिए थे, मेरे को ये था कि वापस आऊँगी तो बच्चों को अगले दिन स्कूल भेजना है मंडे को, इस वजह से। और छोटा वाला देखो जरा, ये देखो ड्रामा, देखो ड्रामा। अभी तक ना ये ना गेम खेल रहा था, और जैसे ही इसको पता चला ना मम्मी इस रूम में आने वाली है, इससे ना ऐसे कर रहा है जैसे सो गया हो। आप भी कहते होंगे ना कितनी गेम खेलते हैं मेरे दोनों बच्चे। वंशु, आप बहुत गेम खेलते हो, कितनी खेलते हो? अभी तो 1 घंटा खेल लिया बस, 1 घंटा खेला नहीं है, 1 घंटा होने वाले। अच्छा। मैंने ना इनका ना टाइम सेट कर दिया, दोनों को बोल दिया कि दोनों को 2.5 आवर के लिए फोन मिला करेगा। लेकिन कार्तिक कई बार अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहा होता है, तो इस वजह से उसे थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाता है। बाकी वंशु के ऊपर तो बहुत स्ट्रिक्टनेस चलती है कि भैया आप, तुम्हारा टाइम खत्म, फोन दो। तो वंश तो 2.5 घंटे ही जाता है, 24 घंटा। उसका कोई डिस्कॉर्ड वगैरह है, उन सब चीज़ों में थोड़ा रहता है। उसके फ्रेंड्स वगैरह बन गए हैं उसमें, उसके फ्रेंड्स हैं जैसे, एक तो मुझे मीट पता है, और एक यश है उसका फ्रेंड, उसकी तो मदर से भी मेरी बात हुई थी, और एक रेक्स भाई है, वंश बता रहे हैं। तो एक्चुअली अच्छे हैं वो बच्चे भी, बात बात करते हैं। तो फैमिली के मतलब फैमिली से भी बात हुई मेरी मम्मी से उनके, तो वो लोग अच्छे लोग हैं। तो ठीक है, बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, बच्चे बात करते हैं। और कार्तिक कैसे भी अब बड़ा है, वंश छोटा है, तो वो होता है ना, छोटे बच्चों को लगता है कि मम्मी बड़े वाले को लिबर्टी दे रही लेकिन मुझे नहीं दे रही। लेकिन वही है ना, टाइम के साथ धीरे धीरे समझ जाएगा वो, अभी थोड़ा टाइम में वो भी बड़ा हो जाएगा, फिर दोनों एक जैसा रहेंगे। अभी कार्तिक बड़ा है तो उसके फ्रेंड्स, उसकी बातें अलग होती हैं, तो बच्चे को समझते नहीं है ये चीज़, ये तो हर माँ के साथ होता होगा।
थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तो मनुष्य ने अपने लिए बनाई है, अपने लिए क्या, अपने भैया के लिए भी बनाई है। देखिए मनुष्य ने दोनों के लिए बनाई है, बाल आ रहे हैं बीच में। हाँ, ये भैया के लिए बनाई है, ये अपने लिए बनाई है। तो देखिए वंश ने अपने लिए मंगाई थी चॉपस्टिक्स, काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़ा था, मुझे चॉपस्टिक दिला दो, मैं तुझे खाना भी आता है चॉपस्टिक से, लेकिन ये खा लेता है। वाओ वंश, वाओ यू आर सुपर, तुम्हें चॉपस्टिक्स यूज़ करनी आती है। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं, बच्चों के पापा की मीटिंग कोई हो गई थी इमरजेंसी में, तो वो मीटिंग में चले गए थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई निकलने में। तो अभी फिलहाल हम निकले हैं, तो अभी हम देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ता तो वही रहेगा, 4-4.5 घंटे तो उनको लग ही जाते हैं। तो देखते हैं अभी कितनी देर में पहुंचते हैं, सनसेट भी होना स्टार्ट हो गया है, तो रेडिश थी मेरे फेस पे भी आ रही है, वैसे दिखाई दे रही है सन की, तो अभी यहाँ से सन दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा है बस। रस्ते में ना ऐसे बहुत सारे ढाबे पड़ते रहते हैं, ऐसे कलरफुल लाइट्स लगा के रखते हैं, इतने सुंदर लगते हैं देखने में, हर थोड़ी दूर पे कोई ना कोई ढाबा दिख जाता है। टोल पे पहुंचे और हमें इतना वेट करना पड़ रहा है, उसका सिर्फ एक रीजन ये, अब बंदा वो निकला है इतनी देर बाद, सिर्फ एक ही रीजन है। हर जगह बताया जाता है कि आप अपना टोल पे जो आपका अकाउंट है वो अपडेट रखें और फास्टैग का यूज करें, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। ऐसे लोगों की वजह से ना इतनी देर देर तक कई बार रुकना पड़ जाता है, गुस्सा आता है कि कभी उनके पास चेंज नहीं है, नहीं तो वो बहस करने लग जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं जो लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे होते हैं उनको। तो इस चीज को खुद से सोचना चाहिए ना, हमें खुद भी कोई इस चीज की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं हम ऐसे ये चीजें अपडेट रखें, ताकि किसी और को भी दिक्कत ना हो, खुद भी परेशान होते हैं 10 घंटे वाला लाइन में लग के, और जो पीछे आपके खड़े हैं आप उनको भी परेशान करते हो। हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, इतनी शादियां हैं रस्ते में, और जितना ट्रैफिक हमें आज मिला है ना, इतना ट्रैफिक हमें कभी मिला होगा। देखिए हर जगह डेकोरेशन कर रखी है, कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं है कि जिसमें डेकोरेशन नहीं है, या कहीं पे बारात नहीं चढ़ रही है, ऐसा लग रहा है सब लोग दिसंबर में ही शादी कर रहे हैं। 15-20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, और अभी बहुत तेज अब भूख लग रही है, और घर में पता चला है कोफ्ते बने हैं, तो और ज्यादा भूख लग रही है, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं।